आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग किस तरफ से SBI योनो का बैंक स्टेटमेंट मेल नहीं तो फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको चले जाना है SBI योनो ऐप पे। SBI योनो ऐप पे आने के बाद इधर आपको लॉग इन पासवर्ड दे देना है। लॉग इन पासवर्ड देने के बाद इस तरफ का इंटरफेस आएगा। इधर आपको अकाउंट सेक्शन पे ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट बैलेंस, और इस साइड में एक छोटा एरो दिखाई देगा, इधर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन पे आपको क्लिक करना है। ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो दिखाएगा। इधर अपना दूसरा कोई अकाउंट है तो वो अकाउंट चेंज कर सकते हैं। इधर ये जो छोटा एरो है इधर आप क्लिक करके आप दूसरा अकाउंट के भी चेंज कर सकते हैं, बट हमारा एक ही अकाउंट है इसलिए एक अकाउंट दिखा रहा है। चलिए मैं अभी डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए ये जो जितना भी सारा ट्रांजेक्शन हुआ है ये ट्रांजेक्शन दिखा रहा है हमको, तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं इधर फिल्टर में आ जाऊँगा। फिल्टर ऑप्शन है इधर, फिल्टर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद मैं इधर क्या करूँगा, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री ये डाउनलोड करेंगे। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डाउनलोड करने के लिए आपको इधर क्या करना है, इधर कितना दिन से कितना दिन तक आप डाउनलोड करना चाहते हैं ये आपको बताना है। तो चलिए मैं इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए इधर डेट बाई डेट दे के ऑप्शन है, एक बाई डेट दे के एक ऑप्शन है, ये चूज कर सकते हैं, नहीं तो एक मंथ, इसके बाद थ्री मंथ, इसके बाद सिक्स मंथ करके भी ऑप्शन है, तो जो मर्जी आप चूज कर सकते हैं। बाई डेट अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, तो बाई डेट के अनुसार आपको बताना है कितना तारीख से कितना तारीख तक आप ये जो स्टेटमेंट है यानी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वो देखना चाहते हैं, तो ये आपको ये बताना है। तो मैं अभी ये नहीं करूंगा, मैं इस मंथ का चाहता हूँ, तो फिल्टर सेक्शन में क्लिक करूंगा अगेन। इसके बाद इधर इस वाला एरर पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इधर मैं लास्ट वन मंथ का मैं चाहता हूँ, तो लास्ट वन मंथ में क्लिक करना है। इधर लास्ट वन मंथ का जितना भी सारा ट्रांजेक्शन हुआ है, इसके बाद आपको क्या करना है, इधर देखिए दो ऑप्शन मिलता है, एक डाउनलोड करने के वाला ऑप्शन और एक है मेल करने के वाला ऑप्शन। देखिए ये जो मेल का जो लोगो इधर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन तो सभी का रहेगा बट बैंक अकाउंट पे आपका मेल रजिस्टर रहेगा तब आपका मेल पे जा सकते हैं। बैंक अकाउंट में आपका मेल एड्रेस रजिस्टर नहीं रहेगा तब आप मेल के थ्रू नहीं ले सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइल को। तो चलिए मैं पहले क्या करता हूँ, इधर मैं मेल पे क्लिक करता हूँ। मेल पे जब मैं क्लिक करूंगा, मेल पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों इधर ऑप्शन आ चुके हैं, आप देख सकते हैं मेल हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर ईमेल आईडी, ये सेंड कर दिए हैं, तो मैं ओके कर देता हूँ। इसके बाद जो लोगों का मेल नहीं है उन लोगों के पास तो ऑप्शन नहीं आएगा, मतलब मेल एड्रेस नॉट रजिस्टर करके दिखाएगा, वो लोग डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, ये जो आपका जो फाइल है ना, आपका फाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा। आपका फाइल में जाना है, फोन का फाइल में जाना है, और उसके बाद डाउनलोड सेक्शन में जाना है। उसके बाद आज का डेट ढूंढ लीजिए जो कौन सा फाइल क्रिएट हुआ है, तो आपको मिल जाएगा। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। और इधर देखिए पासवर्ड के बारे में बता रहे हैं, पासवर्ड थोड़ा सा स्टाफ है उन लोगों का, कैसे देंगे ये भी बता देते हैं। पहले मैं चलिए मेल पे चेक कर लेता हूँ हमारा मेल पे आया है कि नहीं। ये देख सकते हैं ये हमारा मेल है, मेल पे पर क्लिक करेंगे, देखिए एक मिनट पहले ये मेल आ चुके हैं आप देख सकते हैं। तो मैं इधर पासवर्ड के बारे में दिखा देता हूँ जो पासवर्ड कैसा होना है। देखिए दोस्तों पासवर्ड थोड़ा सा अलग है इसका, मैं आपको बता देता हूँ। आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर हुआ है ना, मान लीजिए ये जो मोबाइल नंबर है ये आपका मोबाइल नंबर है जो दिखाई दे रहे हैं 986, ये मोबाइल नंबर है आपका। और उसके साथ आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ये है डेट ऑफ बर्थ, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है 1405 1980, ये है आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे इसका पासवर्ड चूज करना है। पहले देखिए डेट ऑफ बर्थ का जो डेट एंड मंथ ये दोनों ऐड करना है, डेट एंड मंथ देखिए 14 and 05 है, इधर ये देख सकते हैं 14 and 05 है। हम लोग क्या करेंगे, पहले 14 and 05 यूज करेंगे, 14 and 05। उसके बाद एड्रेस देना है, एड्रेस देने के बाद मोबाइल अंक का लास्ट का चार अंक देना है, ये इसका देखिए मोबाइल अंक है, मोबाइल अंक का चार अंक 3210, तो इसलिए इधर यूज किया है 3210। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ का डेट एंड मंथ देना है, इसके बाद एड्रेस यूज करना है। एट द रेट यूज करने के बाद आपका मोबाइल, जो मोबाइल नंबर बैंक पे रजिस्टर करके रखे हैं, वो मोबाइल नंबर का लास्ट चार अंक देना है एट द रेट देके, उसके बाद ये PDF ओपन हो जाएगा। आपका डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे भी वो भी सेम तरीके से ऐसे ही आपका पिन कोड देना पड़ेगा। तो चलिए मैं इधर ओपन कर लेता हूँ ये वाला फाइल को। फाइल में क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों इधर पासवर्ड पूछ रहे, तो चलिए मैं पासवर्ड दे देता हूँ। देखिए दोस्तों पासवर्ड देने के बाद हमारा जो अकाउंट का स्टेटमेंट था वो निकल चुका है, एक मंथ का जितना भी सारा ट्रांजेक्शन हुआ है वो इधर आ चुके हैं। तो इसी तरफ से आप SBI योनो यूज करके आप अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो हमारा फोन में कैसे हुआ है। तो चलिए मैं फोन में कैसे ये डाउनलोड हुआ है, मैं तो डाउनलोड सेक्शन में क्लिक कर दिया था। इधर देखिए इंटरनल स्टोरेज में जाना है, इंटरनल स्टोरेज पे जाने के बाद इधर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड, डाउनलोड सेक्शन पे जाना है। डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद इधर आपको फाइल मिल जाएगा,
ये फाइल आपको ढूंढ लेना है, फाइल इधर ही आपको मिल जाएगा, ये देखिए यही वाला फाइल है। तो चलिए इसका पासवर्ड हमको दे देना है, पासवर्ड सेम तरीके से जैसे मैं यूज किया था वैसे ही पासवर्ड देना है। दोस्तों इधर भी देखिए सेम तरीके से हमारा जो स्टेटमेंट का पीडीएफ था ये भी ओपन हो चुका है। इसी तरफ से आप अपना एसबीआई योनो यूज करके बहुत ईजी तरीके से स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए, नमस्ते।